हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर जो इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूं, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपको भी इस टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था मालडोवा के ई वीज़ा के बारे में, जो मालडोवा ने ई वीज़ा स्टार्ट किया है, मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि मालडोवा का ई वीज़ा आप कैसे अप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये वेबसाइट खोल दिया evisagovernment.md, ये जो वेबसाइट है इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल भी दूंगा, यहाँ से आप स्टेटस चेक भी कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, मैं स्टेटस चेक कर रहा हूँ। स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो, इसमें आपको वीज़ा नंबर डालना है। देखिए, मैं एक वीज़ा नंबर डाल रहा हूँ जो कि फ़र्ज़ी है। आपको आप जब कभी भी ई वीज़ा किसी से भी लो, किसी एजेंट से लो या खुद अप्लीकेशन करो, किसी एजेंट से आपने वीज़ा लिया है तो आप वीज़ा जो रेफरेंस नंबर है उसको आप डाल देना। फिर आप जो कैप्चा आता है, इस कैप्चे को आपको डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे रेफरेंस नंबर और कैप्चा, उसके बाद आप सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, अब चेक वीज़ा पे मैं गया, उसके बाद मैंने ये डाल दिया वीज़ा रेफरेंस नंबर और बस सबमिट पे गया। यहाँ पे मैंने चेक पे क्लिक कर दिया। चेक पे मैं जैसे क्लिक करूँगा वहाँ पे खुल के आ जाएगा। उसके बाद मैं आता हूँ अप्लाई नाउ पे। अब मैं बताऊँगा कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये मैंने पोर्टल खोल दिया है। सबसे पहले इसमें आपको सेलेक्ट क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है। फ्रेंड्स, सबसे खास बात ये है कि आप किसी एजेंट के चक्कर मत फंसिए, आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हैं मालडोवा का ई वीज़ा, जो कि बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने डाल दिया अपना नाम आशीष कुमार, फिर मैं फादर नेम डाल देता हूँ, जैसे कि आप डाल दीजिए इसमें अपना नेशनलिटी डाल दीजिए। नेशनलिटी मैंने यहाँ पर डाला। तो सबसे पहले मालडोवा के ई वीज़ा लेने के लिए आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए देखिए, मैंने उसमें सिंपल सा प्रोसेस है, पहले अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है। मेरा नाम आशीष कुमार है, फिर मैंने फर्स्ट नेम में डाल दिया आशीष। उसके बाद मुझे अपनी नेशनलिटी डालना है, मैंने इंडिया डाल दिया। उसके बाद एक ईमेल जो कि वैलिड हो, जो आपके फ़ोन से जुड़ा हो, मैंने अपना ईमेल डाल दिया visaguide0@gmail.com। उसके बाद आपका जो ईमेल कंफर्मेशन फिर से डाल देना है, मतलब अपना जो ईमेल आपने पहले डाला है उस ईमेल को आपको फिर से इस पर डाल देना है। मैंने visaguide0@gmail.com मैं इसमें फिर से डाल देता हूँ। और डालने के बाद उसके बाद एक कैप्चा आएगा, उस कैप्चे को भी मुझे इसमें फॉर्म में फिल करना है। सबसे जो फर्स्ट, अगर आप मालडोवा का ई वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपको अपना ईमेल डाल के इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल पे एक ईमेल आएगा, उसमें एक कंफर्मेशन आईडी होगा, तो उसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने जो कैप्चा है उसका मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैप्चा डालता हूँ T93PA3, ये मेरा कैप्चा मुझे मिला है और इसको मैं इसमें भरूंगा। भरने के बाद मैं जब इसको भर दूंगा, उसके बाद फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने कंप्लीट पे मैंने अब वेरिफिकेशन कोड जो मैंने डाला था उसमें मैंने कैप्चा गलत कर दिया, मैं कैप्चा फिर से भरता हूँ। फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखिए, आपको जो कैप्चा भरना है, जो आपको जो नाम भरना है, वो सब एकदम क्लियरली आप डालो। उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत कर दोगे तो हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, या हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन अच्छे से ना हो पाए। देखिए, इस बार कंफर्म हो गया, फाइल मेरी रजिस्टर्ड हो गई। अब मेरे पास ईमेल में एक कोड आएगा, उस कोड को मैं ले जाके कंटिन्यू एप्लीकेशन का ये ऑप्शन आ गया, उस पर कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने कंटिन्यू के एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया और मेरी फ़ाइल रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद जब मैं कंटिन्यू के एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये खुल के आ गया। तो इससे सबसे पहले आपको डालना है फाइल नंबर। फाइल नंबर मेरे ईमेल में गया है, मैंने ईमेल में अपना फाइल नंबर देख लिया, फाइल नंबर मेरा क्या है, तो आपके भी ईमेल में जाएगा। तो मेरा जो फाइल नंबर था उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं अपना फाइल नंबर यहाँ पर, जो फाइल नंबर मुझे मिला है, उसको मैं भर दूँगा। फ्रेंड, सबसे खास बात यह है कि आप वही ईमेल डालिएगा जो कि आपके फ़ोन आपके पास हो। ये नहीं कि आपने आपका फ़ोन में जो ईमेल है वो फ़ोन में आपका किसी कोई और ईमेल है, आपने कोई और ईमेल डाल दिया। तो आपका जो फ़ोन जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, उसी को आप
डालिएगा, क्योंकि ईमेल उसी पे आएगा, या फिर आप जब कभी एप्लीकेशन करिए तो अपना जो फ़ोन है उस पे ईमेल जो आप डालेंगे उसको लॉगिन करके रखिएगा। उसके बाद ये कैप्चा, मैंने वो फाइल नंबर डाल दिया, फिर मैंने कैप्चा डाल दिया, वेरिफिकेशन कोड, तो इसको कैप्चा भी कहते हैं, वेरिफिकेशन कोड भी आप कह सकते हो। इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, और देखिए मैं डालने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये फॉर्म भरना है। कई सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर बताइए कैसे एप्लीकेशन करते हैं ई वीज़ा का, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे एप्लीकेशन करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको बता दूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं उसमें वेरिफिकेशन नंबर फाइल नंबर डाल रहा हूँ, फाइल नंबर डालने के बाद ये मैंने कैप्चा डाल दिया, उसके बाद मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया। देखो एप्लीकेंट की प्रोफाइल खुल के आ गई, इस मुझे आप पूरा डिटेल, जैसे कि आप एक फॉर्म ऑनलाइन करते हैं उसी टाइप से मुझे पूरा इसमें एक एक चीज़ इसमें मेंशन करना है, भरना है। तो जैसे कि मेरा नाम है तो मैं सबसे पहले अपना नाम भरूंगा, मेरा नाम आशीष कुमार है, मैंने अपना नाम आशीष कुमार भर दिया। जो ट्रेवल डेट आपकी जो होगी उसको आपको ट्रेवल डेट इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस डेट में जा रहे हो। तो मैं तो एक टेम्परेरी आपको भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ सही सही भरना है, जो जो चीज़ आपको इसमें देखना है वो एक एक चीज़ आपको सही से भरना है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको भरना है, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ है ये भी आपको भरना है। कंट्री रीजन, मतलब किस कंट्री में आप इस टाइम रह रहे हो, अगर आप यूएई में हो तो यूएई डालोगे, अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया डालोगे, या फिर आप जहाँ भी हो वो आप डालोगे, ठीक है। फैमिली, आपके फादर नेम क्या है, तो आपका जो भी आपके पिताजी का जो नाम होगा उसको भी आप इसमें सबमिशन करोगे, उनका भी आप नाम डाल दोगे। तो ये करने के बाद बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं गोमती नगर में रहता हूँ तो आप गोमती नगर जो भी आपका एड्रेस हो, आप चंडीगढ़ में रहते हो, पंजाब में रहते हो और किसी भी जगह आप रहते हो, अब इसमें ये देखो ये इसने स्पेनिश में दे दिया, ठीक है। आप मेल हो, फीमेल हो, क्या हो, इसमें आपको मेल डालना है, ठीक है। और नहीं, जो मतलब जो गर्ल्स हैं वो फीमेल डालेंगे, जो बॉयज़ हैं वो मेल डालेंगे। और उसके बाद आपका ये आता, आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो आप सिंगल हो सिंगल डाल दो, मैरिड हो मैरिड डाल दो, अनमैरिड हो अनमैरिड डाल दो। उसके बाद आपको अपना स्टेट डालना है, काफ़ी लोग पंजाब से हैं, काफ़ी लोग हरियाणा से हैं, काफ़ी लोग गुजरात से हैं, तो जिसका जो स्टेट हो वो अपना स्टेट इसमें सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन आएगा, ऑक्यूपेशन में आपको आप डाल सकते हो कि आप एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या हो, ये आप डाल सकते हो। सबसे खास बात ये है फ्रेंड्स कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके रखना पड़ेगा। तो मैं एक आपको पूरा एक आइडिया दे दूंगा कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, तो इसके ज़रिए आप पूरा एप्लीकेशन कर सकते हो। क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो केवल आपको फ़ाइल ही भरना है, केवल आपको फ़ाइल भरना है, केवल आपको डिटेल भरना है। तो जब आप कभी एप्लीकेशन करना तो अपना पासपोर्ट जो है वो साथ में लेके रखिएगा और अपने पासपोर्ट पे देख के एक एक चीज़ आप इसमें डालिएगा, क्योंकि पासपोर्ट पर जो चीज़ होगा वही आपके वीज़ा में, वही एड्रेस, वही सब कुछ लिख के आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ही मत डालिएगा, अपना पासपोर्ट नंबर देख के डालिएगा। फ़ोन नंबर आप वही डालिएगा जो फ़ोन नंबर आपका चालू हो, ये नहीं कि आपने फ़ोन नंबर डाल दिया जो आपका स्विच ऑफ हो, या फिर आप इंडिया में हो और आपने यूएई का नंबर डाल दिया। अगर आप यूएई में काम करते हो तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपको जो नंबर डालना है वो डालना है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ करने के बाद आपको केवल बस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको ऐसे ही आपको पूरा फॉर्म भरते रहना है, स्टेप बाय स्टेप, दो तीन स्टेप है। उसके बाद लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट भी कर देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको एक छोटा सा दिखा दिया कि एप्लीकेशन दिखा दिया कैसे आप करते हो। मेन फाइल रजिस्टर्ड करना है, आपने फाइल रजिस्टर्ड कर दिया, फाइल का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, उसको आप जैसे ही आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका पूरा खुल के आ जाएगा। तो बस वहां से आपको केवल पूरी डिटेल फिल कर देनी है और फाइल अपना पेमेंट कर देना है, और जो वीज़ा आपका है वो 6 से 7 दिन में आपका आपके ईमेल पे आ जाएगा। प्रोसेस टाइम जो है वो कम से कम 6 से 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपको जो मालडोवा का ई वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। मालडोवा की जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ऑनलाइन जहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और
आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी आप जुड़ सकते हो, मेरे ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। सबसे खास बात यह है कि आप इस एप्लीकेशन को केवल इंडियन पासपोर्ट होल्डर ही कर सकते हैं। अगर आप नेपाल या पाकिस्तान बांग्लादेश से हो तो आप मालडोवा का ई वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये केवल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।